हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जितने भी कैंडिडेट्स आरआरवी ईएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि ईएलपी का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की जो है संभावनाएं कब हैं। तो इस सेशन में यही जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईएलपी का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि बेसिकली ईएलपी का एग्ज़ाम जो है अभी तक उसकी डेट आ जानी चाहिए थी, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है अभी नहीं आई है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो सवाल का जवाब जानते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं जो एलपी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप ये कैलेंडर देखेंगे तो एलपी का नोटिफिकेशन आपका तय समय पर आया था, जनवरी में नोटिफिकेशन आपका आ गया था। लेकिन उसके बाद देखिए एक नोटिस बीच में ये भी आया था आपका, देखेंगे अगर आप ये, जिसमें कहा गया था जनवरी के लास्ट में आया था नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया था एप्लीकेंट टू द पोस्ट ऑफ एलपी नोटिफाइड अंडर सीएन, ये आपका कहा गया था। ठीक है, CBT 1 जो है जून से अगस्त के बीच में जो है होगा, ऐसी बात कही गई थी, जून से अगस्त के बीच में जो है CBT 1 होगा, ये शुरू में कहा गया था। लेकिन उसके बाद देखिए अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। तो एग्जाम कब होगा? CBT 2 जो आपका सितंबर में बात कही, सीबी आपका जो साइको है वो नवंबर में कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसके लिए जो है नॉर्मल समय लिस्ट आएगी, सारी चीज यहाँ पर कही गई थी, जो है आपका पूरा टेंटेटिव जो टाइमलाइन है वो बताया गया था। लेकिन अगस्त जो है वो आपका निकल गया, ठीक है, आपका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है सब क्या एग्जाम जो है कब तक हो सकता है? देखिए इसके बहुत सारी चीजें हैं डिले होने के, लेकिन ठीक है अगर अभी आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो कुछ समय में होने के चांसेस हैं, कुछ समय में आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार आपका जो एग्जाम है वो जहां तक है सितंबर में होने के चांसेस हैं, सितंबर के लास्ट में जो है वो आपका एग्जाम हो सकता है, सितंबर के लास्ट में जो है वो आपका एग्जाम हो सकता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि CGL जो है वो आपका 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका MTS 30 सितंबर शुरू हो जाएगा, 14 नवंबर तक रहेगा। तो ये एक देखिए मे भी हो सकता हो CGL, थोड़ा सा वैसे CGL और RRB जो है अलग अलग रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि हो सकता हो कि आपका एग्जाम जो है हो ही ना। लेकिन इसके पीछे मुझे समझ नहीं आता कोई ऐसा रीजन होगा कि CGL या MTS की वजह से ये प्रभावित हो। तो ऑलरेडी जो कि समय इसका जो है वो पूरा हो चुका है, तो सितंबर में आपका एग्जाम होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि आपका ELP का जो एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, नवंबर तक जाना मुझे लगता नहीं कि MTS यानी नवंबर के मिड तक ये एग्जाम जाएगा, इतना लेट जाने की जरूरत नहीं है, शायद इतना लेट ना भी जाए, चांसेस ज्यादा कि इतना लेट नहीं जाएगा, क्योंकि SSC और रेलवे जो है दोनों अलग अलग रिक्रूटमेंट बॉडी है। ठीक है, तो आपका जो ELP का एग्जाम है वो सितंबर के मिड में हो सकता है, सॉरी सितंबर के लास्ट में जो है वो आपका ELP का नोट एग्जाम जो है वो होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर है, बाकी ऑफिशियल कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम देंगे। आपकी करेक्शन विंडो वगैरह, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह ऑलरेडी जो है ओपन हुए थे जुलाई में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके पास पता है, तो एग्जाम जो है वो आपको सितंबर के लास्ट में हो सकता है। और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देखो कि सितंबर में आपका जो है NTPC भी आने वाला है, ठीक है, बाकी एग्जाम्स भी आने वाले हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, NTPC जो है वो भी यहाँ पर आपका गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम आ चुका है, ऑल रेलवे एग्जाम यहाँ पर अवेलेबल है, सारे एग्जाम की सुपर कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल है, सभी सुपर कोचिंग, जैसे NTPC की बात करें या ऑल रेलवे एग्जाम की बात करें तो सभी सुपर कोचिंग में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट सब कुछ मिलता है, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG। कैसे आपको डिस्काउंट लेना है, जैसे आपका NTPC है 2024, ये देखिए इसका प्राइस क्या है अभी 2142। आप डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड आपको लगा के अप्लाई करना है। 12 महीने का आपको 1456 रुपए में NTPC यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ है। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर, और रेलवे एग्जाम सुपर कोचिंग भी अवेलेबल है, इसमें रेलवे के सारे मेजर एग्जाम आपके कवर होते हैं, NTPC, ग्रुप डी, RPF, ये सब कुछ अवेलेबल। कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए जो कि आपको पास प्रो के अंदर मिलते हैं, 1 साल का पास प्रो 599 है, 2 साल का 729, इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन लगाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAG PASS, ये कूपन कोड लगाइए आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का पास प्रो 527 है और 2 साल का 641 का, तो
जाइए और प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, और एएलपी के एग्जाम डेट को लेकर जो आपका सवाल था उसका जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। एएलपी का आपका जो एग्जाम है वो सितंबर के महीने में, सितंबर के लास्ट में होने के चांसेस, होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर हम खत्म करेंगे, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।